चार गुण जीवन में सदा होवे मैंने देखा है। पहला है धीरज, ऐसे डिटेल नहीं सुनाती हूँ, परंतु कोई अब गहराई में जा करके आत्म मन स्थिति में अगर धीरज के देखेंगे ना, धीरज धर मन व मन को धीरज दो, जल्दी अधीरे न हो जाओ। अधीरेता व्यर्थ चिंतन मिले जाती है, दुखी बनाती है। दूसरा गुण है सहनशीलता। सहनशीलता के गुण के गहराई में जाएंगे ना, बहुत हमको ये नहीं कहते हैं सहन शक्ति चाहिए मुझे, सहन करने की शक्ति आती है, आती है। क्या बड़ी बात है, मुझे सहन करना पड़ता है, मैं दुख हुआ, शिकल में थोड़ा भारीपन आएगा, कभी आंखें गिली भी हो जाएंगी, तो वो सहनशीलता नहीं है। धीरज, सहनशीलता। तीसरा हमारा मित्रता भाव, कोई शत्रु नहीं है मेरा। निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए, ये मेरे बाबा के बोल है, उसको मित्र मानो। जो मेहमा करे उसको मैं मित्र मानो, जिसने कुछ निंदा की गलत बोला उसको शत्रु मानो, ये ज्ञानी तो आत्मा ये नहीं कहेगा। मेहमा करने वाले तो मुझे खुश भी कर सकते हैं, या आज मेहमा करते कल कुछ भी कर सकते हैं, पर उस पर मेरा आधार न हो जीवन का। मेहमा के आधार से मैं शिवा में रहूं, मेहमा के आधार से मेरा अच्छा संबंध रहे, नहीं। अब मन में आया, मुख से बोला, वाइब्रेशन में आया, गलत है। जैसे मित्रता भाव में समा लेते हैं, मित्रता भाव में समा लेते हैं, ये मम्मा बाबा को देखा है। कई बार मम्मा बाबा के दृश्य सामने आते हैं, कोई बाहर कहेगा कुछ, पर मम्मा बाबा के चेहरे से दिखाई नहीं पड़ता है कुछ हुआ। बाबा को सामने कहीं उन्होंने गाली भी दी होंगी, पर बाबा के चेहरे पर बाबा इसको कुछ कहे नहीं, बच्चे का दोष नहीं है, कोई बच्ची बात नहीं। बाबा को कोई पत्र रख, बाबा कुछ जवाब लिखे, ना 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 बच्ची, बाबा हर एक को अपना मित्र समझा है, हर एक को अपना मित्र मानना है हमको। ये है मित्रता भाव, मना रूहानियता का, ईश्वरी स्नेह का संबंध जो है ना, बात ठीक हो जाएगी पर संबंध ठीक न रहे मेरा निशान नहीं है। चौथी संतुष्ट, ज्ञान में गंभीरता बहुत आती है, तो गंभीरता में एक बारी मम्मा को कहा, मम्मा थोड़ी अब सीरियस है, मम्मा ऐसे हम लोगों मुंह में देखा, इसको अब सीरियस कहते हो। मम्मा को ज्यादा हंसना बैलना बात करना, ज्यादा बात करना मम्मा नहीं करती थी, हम समझते थे मम्मा थोड़ा, तो सीरियस अखे मम्मा को कहा ना, मम्मा ने मुस्कुरा के बोला, हमने समझा ये अक्षर हमको नहीं करना चाहिए मम्मा के लिए। ज्ञान जितना जो ज्ञान में ज्ञानी तो आत्मा है, जैसे बाबा मुस्कुराता कितना है, पर साधारण तो मुस्कुराहट नहीं है ना, बाबा के मुस्कुराहट में इतनी शक्ति है, इतना हमको शिक्षा दे रहा है, मुस्कुरा के शिक्षा दे रहा है, उसमें बहुत एक शिक्षा और शक्ति समाई पड़ी है। उस दिन से लेकर के हम लोगों ने ये जो शब्द बोला ना, समझा मम्मा को हम लोगों ने नहीं जाना है, तभी ये शब्द निकला।